हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैसेज पढ़े तुम लोग? यस ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं क्या किया जा सकता है। ठीक है, मेरे पास सारा नोटिफिकेशन रहता है, कौन मैसेज को देखता है, कौन क्या करता है, तो मैं इसको टेक केयर करूंगा आगे से। आगे से क्या, मैं फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स देखता हूँ क्या किया जा सकता है। ओके, सो लास्ट क्लास में मैं क्या डिस्कस कर रहा था? एनीवन? हेलो, इन लास्ट क्लास आई थिंक आई हैव गिवन वन क्वेश्चन विच इज ऑन पैराबोलिक थ्री इन चार्ज। हेलो, यस सर। आई एम यस ऑडिबल? सर। ओके, सो टेल मी, व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट वॉज द क्वेश्चन? सॉरी सर, घर से बाहर है और क्वेश्चन तो है नहीं इस वक्त मेरे पास, एनी बट अदर थोड़ा थोड़ा याद पर्सन? है एनी अदर आपकी पर्सन? यूटीएल एनी लगे। अदर पर्सन? दीपा मेहता? यस सर, जो हम क्वेश्चन लिखे थे वो सॉल्व हो चुका था सर। कौन सा क्वेश्चन लिखी थी? क्वेश्चन को बोलो तो। सर एक पहला पैराबोलिक आर था अच्छा, जिसमें तुम लोग सिक्सटी एक चीज चाहोगे। हेलो, तुम लोग एक चीज चाहोगे, यस सर। सारा टीचर पढ़ाता है सारा ब्रांच में, वैसे ही हम पढ़ा दिया करें। चाहते हो? सर समझ नहीं, नहीं सर है आप क्या। पैराबोलिक कर्व्स मैं बोल रहा हूँ कि जैसे सारा टीचर पढ़ाता है उस तरह पढ़ा के मैं निकल जाया करूँ। ठीक है, तुम लोग को समझो या ना समझो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा ही कुछ क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो तुम लोग चाहते हो क्वेश्चन पूछे कि ना पूछे? अमृत, हेलो, धारिणी, यस सर, पूछिए सर। नहीं, तुम चाहते हो कि क्वेश्चन पूछा जाए? सर क्वेश्चन ही पूछेगा तो डाउट कैसे क्लियर होगा। अच्छा, ओके। मधुसूदन, यस सर। क्वेश्चन चाहते हो पूछा जाए कि ना पूछा जाए? यस सर पूछिए। अच्छा, रोहित? यस सर। हाँ, क्या चाहते हो? सर पूछा जाए सर। नहीं, अगर नहीं चाहते हो तो नहीं पूछेंगे, नेक्स्ट टाइम से मैं केवल पढ़ाऊंगा। ठीक है, अमृत ओजस्कर, ये कहाँ है अमृत ओजस्कर? इसमें और कौन है? सुशीला हेम्ब्रम है? सर क्या चाहती हो, क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे पढ़ा दिया जाए? पूछिएगा सर क्वेश्चन, तभी क्लियर होगा सर डाउट, नहीं तो समझ में। तो तुम लोगों से पूछते हैं तो बोलते क्यों नहीं हो कुछ? ठीक है, बताओ। नहीं, तो अभी प्रीवियस आपको क्लास में क्या क्या डिस्कस किए गए थे बोलो। एक पैराबोलिक आर्क था हाँ, उसमें लेफ्ट साइड यूडीएल का लोड था 60 किलो न्यूटन का, और राइट साइड सिक्सटी में किलो न्यूटन पॉइंट पर मीटर का ना? यस सर। एक मिनट, हमको बताओ, मैं बना रहा हूँ। एक यूडीएल है, ठीक है, नहीं सॉरी, एक पैराबोलिक आर्च है, 3 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, ठीक है,
ए पॉइंट बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, देन हाफ पोर्शन पे यूडीएल है? यस सर। ओके, हाफ पोर्शन पे यूडीएल है। इंटेंसिटी कितना था इसका? 60। हाँ, लोड कितना था इस पे? 60 किलो न्यूटन पर मीटर। किलो न्यूटन पर मीटर, ओके। एंड लेंथ ऑफ दिस राइट, लेंथ 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 सो 30 मीटर, ओके। एंड हाइट सर 10 मीटर। 10 मीटर, ओके। एंड अदर थिंग सर, पॉइंट सी से 5 डिस्टेंस पर 100 किलोन्यूटन पर 100 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड था। ओके, 100 किलोन्यूटन लोड 5 मीटर। एंड एनी अदर थिंग? यस सर। हां सर, 160 का भी था एक पॉइंट लोड। वेयर? वहीं पे सर, जहां पे आपका कर्सर है। हियर 160। हाँ सर, 5 के डिस्टेंस पे 160 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था सर। दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर। 5 मीटर, ओके। एंड दिस, ओके, दिस इज अ 5 मीटर। 5 मीटर, ओके, 5 मीटर। आई थिंक दिस इज 15 मीटर ना, 15 मीटर। ओके, आई थिंक द क्वेश्चन, क्या निकालना था इसमें? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट टू डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एंड वर्टिकल रिएक्शन एट ईच सपोर्ट, एट ईच सपोर्ट, ओके। सो फर्स्ट यू कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी, वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी। सर वर्टिकल रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे सर। हाँ, कितना कितना आया था बोलो? 428 at VB और 735 at A. 735? Yes sir. 735 at A point. Then we want to calculate horizontal thrust at B and horizontal thrust at A. Okay. So first of all, you take moment at about point C of the load on left side. Okay, so first of all, you can take moment. So taking moment, about C of the forces on the left side, So first, vertical reactions are VA into perpendicular distance is 15 meter. Okay. So VA is 735 into 15 minus वर्टिकल रिएक्शन इज 60 किलो न्यूटन का है, यूडीएल है, ओके। सो 60 इंटू 15 इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस एट हाफ, सो 15 बाय 2 माइनस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 10 मीटर इक्वल टू जीरो, ओके। सो कैलकुलेट
and told me the value of calculate and tell me the value of H, horizontal thrust. How much? Hello? Tell me the value of H. 427.5 kilonewton. 427.5. Yes, sir. 7.5 kilonewton. Okay. Positive or negative? Positive, sir. Positive. Negative, okay. Sir. Positive. And calculate horizontal thrust at point B. Calculate horizontal thrust at point B of the right side of C. So again, you take moment about C of the forces on the right side. Again, taking moment about C of the forces on the right side. Okay, so on right side, first VB into 15 the value of VB is 425 into 15 minus 100 into 5 plus minus 160 into 10, then H into 10. So 100 into 5 meter perpendicular distance, then minus 160 into 10 meter perpendicular distance, minus H into perpendicular distance is 10 equal to 0. Then tell me the value of horizontal thrust H. Anyone? Hello? Same aa raha hai. Same. How much? 27.5 kilonewton. Why the value is same? There is a question that why this horizontal value at H, at point A and at point B is same. Stable structure, इसीलिए आ रहा होगा सेम. क्या चीज बोली हो? हेलो. स्टेबल स्ट्रक्चर होगा सर, स्टेबिलिटी होगा स्ट्रक्चर में. हाँ, ये सिमेट्रिकल है. ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और इसमें क्या है, लोड का इंटेंसिटी दोनों साइड में इक्वल हो. ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, सॉरी पैराबोलिक आर्च है. और क्या है, इसका जो तुम्हारा सपोर्ट का लेवल है वो सेम लेवल पे है. ठीक है, ये सेम लेवल पे है. अभी नेक्स्ट तुम जब पढ़ोगे तो इसमें क्या होगा कि इसका लेवल भी अप डाउन हो सकता है. ठीक है, मींस ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, इसका लेवल यहाँ पे आ सकता है, इसका नीचे हो सकता है. ठीक है, तो इसका लेवल भी चेंज हो सकता है सपोर्ट का. ओके, सो अभी क्या है, सेम लेवल पे है एंड पैराबोलिक स्ट्रक्चर. So the value of horizontal thrust at point A and at point B is same. Okay. Hello.
यस सर। ओके दीदी, हेलो हेलो। यस, किसी को कोई क्वेश्चन है? इफ एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, ओके मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a parabolic structure arch is like this, solve this question, everyone solve this question, I will ask one by one. A three hinge parabolic arch is point A, point C and point B. The length of this arch is 20 meter and the height of this arch is 4 meter. The intensity of this UDL, which is acting on half portion of this arch, is 20 kilonewton per meter, and okay, so that's all. Find out or to determine support reaction, and horizontal thrust at point A and B. Okay. Tell me the value of or vertical reaction at point A and B. Hello. Hello. I'm audible. Sir, यहाँ पे total load मेरा 200 ही होगा ना? हैं? Total load मेरा 200 किलो न्यूटन ही होगा ना? अब तुम पहले सोच के बताओ, पहले सॉल्व करो, उसके बाद पूछो। सुमित चौबे, सुमित हेलो। हाँ सुमित चौबे। हाँ सर। तुमको आ रहा है समझ में कुछ? हाँ सर, जस्ट ज्वाइन किए अभी। जस्ट ज्वाइन किया तो कुछ बुझ रहा है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ रहा। क्या समझ में आया, समझाओ हमको। जस्ट ज्वाइन किए सर, मतलब नेटवर्क नहीं आ रहा था नेटवर्क में जाके। अच्छा ठीक है, तुम देखो फिर, देख के हमको समझाओ क्या समझ में आ रहा है, तभी ना उस लेवल से हम बताएंगे तुमको, वरना फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे। अभी नहीं आ रहा है सर। अभी नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, देखते रहो। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, देखते रहो।
राम आल्डा ठीक है, लोग शायद ऐसे ही ज्वाइन किया है सभी। रोहित कुमार पासवान, यस सर, कुछ बताओगे आंसर, कुछ VA VB का वैल्यू बताओ। चलो तुम भी नहीं बताओगे, कौन बताएगा किसका सॉल्व हो गया है? VA है 150 किलो न्यूटन और VB है 50 किलो न्यूटन। 150 किलो न्यूटन एंड 50 किलो न्यूटन, ओके। दीपा मेहता, यस सर, ये वैल्यू सही है कि गलत है? सर ठीक है, ठीक है, यस सर। तो तुम्हारा टोटल लोड कितना आया है? सर 200 ही आया था। आ गया समझ में? यस सर। हाँ, क्योंकि लोड के इंटेंसिटी क्या है, UDL है, ठीक है। तो UDL क्या होता है, 20 इंटू जितने डिस्टेंस पे तुम्हारा लग रहा है, तो टोटल हो गया कितना, 200 किलो न्यूटन, ठीक है। यस सर। उसके बाद क्या करोगे, एक बार तुम तुम्हारा वैल्यू निकल जाएगा, VA VB निकल जाएगा, ठीक है। देन क्या करोगे, सी पॉइंट पे मोमेंट लो लेफ्ट साइड में, देन राइट साइड में, देन क्या निकालोगे, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का वैल्यू बताओ सब लोग। रंजन, यस सर, हाँ वैल्यू बताओ, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के वैल्यू बताओ। सर 12.5 किलो न्यूटन। क्या है? 12.5 किलो न्यूटन। 12.5 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट पॉइंट ए। किस पॉइंट पे बोल रहे हो सर? HA पे 125 किलो न्यूटन सर। हैं? यस सर 125 किलो न्यूटन सर। 125 किलो न्यूटन, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 12.5 एंड 125। अरे मिस्टेक हो गया था सर, 12.5 नहीं होगा वो, ठीक है। ओके, सो द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज 125 किलो न्यूटन मीटर एंड एट पॉइंट बी 125 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अभी समझ में आ रहा है कुछ? रोहित, रोहित पासवान, एक तो इतना गर्मी है, तुम लोग पढ़ना और नहीं चाहते हो। हेलो हेलो, यस सर, सुनाई दे रहा है? आई एम ऑडिबल? यस सर, यस सर, ओके। अच्छा, यस सर, क्वेश्चन और है, इसमें क्वेश्चन एक और है, find the maximum bending moment
फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द आर्च Find the maximum bending moment of the arch. Okay. अभी कैसे निकालोगे maximum bending moment? Hello. हेलो सर, आइडिया नहीं है, बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ बट कुछ तो बोलोगे तुम लोग। देखो, एक जनरल फॉर्म मैंने क्या बताया था, व्हेन वी आर टेकिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्स एक्स, ओके, व्हेन वी आर टेकिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्स एक्स at a distance x, okay, so we want this distance, that means y, okay, so we need this y distance, so write down here the formula of y is, you can found this y by 4h divide by L square into x into bracket L minus x. Okay, the formula of y is 4h divided by L square into x into L minus x. With the help of this formula, you can find horizontal or vertical distance of this section. सर, यहाँ पर तो एक्स भी अननोन है। सर, यहाँ पर तो एक्स भी अननोन है ना, तो कैसे फाइंड करेंगे? मैं फैन ऑफ करता हूँ, आवाज सुनाई नहीं दे रहा। ओके दीपा, बोलो। सर, यहाँ पर एक्स भी अननोन है ना, तो कैसे फाइंड करेंगे वाई के वैल्यू? हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा ना, फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे करोगे सर? तो एक्स का वैल्यू नहीं पता है, कैसे करेंगे? अप्रोक्सीमेट करना होगा, तभी ना वाई फाइंड आउट होगा सर। अच्छा, कभी पढ़े हो तुम लोग कि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए क्या करते हैं? अगर हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है या मिनिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, क्या किया जाता है? सर, याद नहीं है। तुम लोग सारा चीज भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? तुम लोग को ये सब 10th 12th में या फर्स्ट ईयर बीटेक में पढ़ाया गया, सब कुछ भूल जा रहे हो। किसी चीज को मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वेट करते हैं जीरो, है ना? तब यहाँ पे क्या है मेरा मोटो, मेन मोटो मेरा है टू फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द अर्थ। इफ वी वांट टू कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, देन differentiate this equation and equate to zero.
ओके सो फर्स्ट यू यस सर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन एट सेक्शन एक्स एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ए सो व्हाट विल बी द इक्वेशन mx इक्वल टू mx इक्वल टू टेल मी 150 इंटू एक्स माइनस 150 इंटू एक्स माइनस 20x इंटू यस वेरी गुड 20 इंटू एक्स बाय टू यस सर यस बाय टू माइनस h इंटू वाई यस वेरी गुड h इंटू वाई एंड Yes, that's it. So, you calculate from here the value of y. Y is equal to 4h into h. What is h? 4. And the value of L is 20 meter. So, 20 square into x 20 minus x. So, the value of y is what? 0.048. No, final value is x into 20 minus x divided by 25. This is the final value of y. Because we don't know how the value of x. Okay, so from here you can put the value of y. So put here the value of y is 150. X minus 20 x square by 2 minus h into x into 20 minus x divided by 25. Okay, this is our maximum bending moment at section x x at a distance x. This is the final equation of maximum bending moment at section xx. क्या बोल रहे हो सुशीला? H का वैल्यू भी लिख दीजिए H के जगह. Yes, very good, very good, very good, very good. So right here, the value of H is 125 into H. So you can cut it 5. Okay, so the final value is 5x this. अभी सही है? हेलो सर अभी सही है. ठीक है, देन हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करो, थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा. अभी सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके बताओ तो कितना आएगा. अभी और सॉल्व हो गए सर. 150x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 5x. एक मिनट बोलो. 150x माइनस और भी कम आएगा, उससे कम भी आएगा. और बोलो कम. वन फिफ्टी सर उतना ही. पूरा फाइनल वैल्यू बता दे क्या? माइनस 5x स्क्वायर प्लस 250x. देखो तुम इतने से ही बताओ, ठीक है? तुम ज्यादा गलत बोल गई. 150x माइनस क्या था? 10x माइनस 100x प्लस 5 प्लस x स्क्वायर. ओके, दिस इज द फाइनल इक्वेशन. इसको और भी सॉल्व कर सकते हो. क्या है, 150 है यहाँ पे 100 है, ठीक है? फिर माइनस 10 है, 5 है, तो 150 से 100 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 50x एंड माइनस 5 से 5 निकल गया, माइनस 5x स्क्वायर. इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, 5 कॉमन ले लो, ठीक है, 5x कॉमन ले लो, कितना बचेगा? 10 माइनस x. ओके,
So this